जब भी मैं स्टीम लेना स्टार्ट करता हूँ समझ लेता चीज़ें बहुत सीरियस हो गई है। अब तूने कार्ब्स को कट करना है सुबह वाले। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का शेरू क्लासिक के एपिसोड नंबर 11 में। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, अभी जा रहे हैं भाई वर्कआउट करने, और आज से मेरे को स्टीम भी लेना स्टार्ट करना है, एब्स की वर्कआउट भी थोड़ा रेगुलर करनी है। तो सारा सामान मैंने डाल लिया ऑलमोस्ट, चप्पल क्योंकि गीला होता है ना स्टीम में वहाँ पर, तो लिया, और बाल सेट करने की ब्रश और सनस्क्रीन, प्रोटीन, ये प्रोटीन भाई ख़त्म होने वाला मेरा, दूसरा मंगाना पड़ेगा। ब्लूबेरी भी ख़त्म हो गया, ये मैंगो है ये भी ख़त्म होने वाला है। एक और चीज जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ वो है ये व्हाइट पाउडर, कमेंट में बताओ इसमें क्या होगा। मैं ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज ही करता हूँ, 3 चम्मच लूंगा क्योंकि छोटी चम्मच है ना, 1 2 3। इसके बारे में वही बता सकता है जो रेगुलरली अपने भाई के एपिसोड देखता है। लोगों को है ना स्टीम की पावर नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता थी। सर ने जब मेरे को स्टीम के बारे में समझाया कि स्टीम कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी प्रेप में एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, बट लोग गलत फहमी में क्या पड़ जाते हैं, लोग मुझे जिम में पूछते हैं भाई स्टीम ले ले फैट लॉस हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ भाई स्टीम फैट लॉस में हेल्प करेगा, बट आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी है, उसको नहीं हटा सकता वो। आज मैं स्टीम में घुसने से पहले अपनी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा और स्टीम लेने के बाद अपनी बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा, आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो स्टीम की पावर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तभी आपको समझ आएगी। ये मैं वर्कआउट करने से पहले लेता हूँ क्योंकि ये फैट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, मैंने बताया आप लोगों को बहुत बार, डॉक्टर चॉइस का श्रेड्स प्रो। जब भी आपको किसी सप्लीमेंट को चेक करना हो तो फ्रंट को नहीं, सबसे पहले इंग्रेडिएंट को चेक करना है, जो सप्लीमेंट के पीछे क्या लिखा रहता है। जैसे इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया, एल-कार्नेटीन की दो फॉर्म है, CLA है, ग्लाइसिन या कंबोडिया है, जो फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें एनर्जी मैट्रिक्स है जो बॉडी में एनर्जी पहुंचाता है, नेचुरल कैफीन डाला गया है और ग्रीन कॉफी भी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब ब्लोटिंग रिमूवल मैट्रिक्स इसमें डाला गया है, डेडलोन एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट। तो इसके सारे इंग्रेडिएंट बढ़िया है, दैट्स व्हाई मैं इस सप्लीमेंट को यूज़ करता हूं। तो ये है डॉक्टर चॉइस का श्रेड्स प्रो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना जिसको बढ़िया फैट लॉस करना है। अगर आपकी डाइट अच्छी है ना, आपको विद इन 4 हफ्ते में ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा, तो जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलते हैं वर्कआउट करने। और बहुत दिन से मैंने आप लोगों को अपनी बॉडी कंडीशन नहीं दिखाई है, मैंने सोचा था कि मैं आपकी बार दिखाऊंगा ना तो कम से कम 10-15 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब आप मेरी बॉडी आज देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके भाई ने कैसी मेहनत कर रखी है, ठीक है। चले वर्कआउट करने। नींद से जो है रिकवरी और ग्रोथ दोनों, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ फोकस करता हूँ। आज से सर ने सोनिया की भी गेनिंग स्टार्ट करा दी बॉडी की। अगर अभी सर 52 kg वेट है सोनिया का, हमें क्या टारगेट रखना चाहिए? हमें एटलीस्ट 55 का टारगेट तो है। 3 किलो सर? हाँ 3 किलो मसल मास, मसल बहुत मास। बड़ी चीज होती है वो टारगेट है कि विद इन 6 वीक इसका 3 kg है ना। अगर हम 2 वीक में 1 किलो का टारगेट लेके चलते हैं तो 6 वीक में 3 किलो गेन होता है। ज़्यादा नहीं करना, आधा किलो 1 वीक में बस। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो जल्दी ही बताएंगे आप लोगों को कि क्यों सोनिया की भी तैयारी स्टार्ट हो रही है। आप सीखो बढ़िया। हाँ यहाँ करता हूँ सर। सर कैसे लूँ अब, दोनों एक साथ लू डंबल या सिंगल लू अभी एक ही सेट? दोनों कर लो। दोनों रखो तो पहले तो बारी से स्टार्ट करूं। जब ज्यादा आइसोलेशन पे आएंगे ना फिर सिंगल को, ठीक। अभी डबल कर।
ये क्या देख रहे हो? अब आया पंप सही। अब अच्छा पंप है, राउंडनेस आ गई। डाइट और वर्कआउट देन फिर चेंजेस दिखेंगे बड़े। देख लेना वो मेरा भी कंपटीशन आ रहा है, कभी तुम अपनी तैयारी में लग जाओ। अपनी में लग जाओ और अपनी में तो लगो सर, बॉडी तो बनानी है अब सोनिया को भी और ज़्यादा अच्छी, बट आदत सी होगी ना कि सारा खाने वाने का ख्याल सोनिया ही रखती है। अब वो एक सर एयर फ्रायर मंगाना पड़ेगा जब ये हमारा काम चलेगा। हाँ ये आगे एक बंदा पोटैटो बेक सब कुछ एक सेकंड में रखा और तैयार। या तो ग्रिल वाला ओवन ले ले, वो ग्रिल करता है वो भी अच्छा है, या फिर एयर फ्रायर, दो में से एक। ग्रिल्ड में तो ये आगे चिकन भी कर सकते हैं, उसमें ग्रिल भी हो जाता है, एयर फ्रायर भी ऑप्शन है। लेकिन उसमें क्या होगा कि जैसे बारबेक्यू रोस्ट होता है ना, फिर पोटैटो वो सब उसमें होगा। चलो देख लेंगे हम जो वो देख लियो जो बेटर लगे। चल भाई चल चलने दे, हाँ जाने दे, हिट कर पूरा शोल्डर को, गुड अब ठीक जा रहा है, चलने दे, यस चल 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 चल, एक अपने आप, अब एक मेरा, चल अपने आप, एक ये, हाँ गुड चल। अब तूने कार्ब्स को कट करना है सुबह वाले। मैं सुबह ओट्स ले रहा हूँ अब, ओट्स ले रहा हूँ सुबह। एक कार्ब रख तू, ऐसा करके वर्कआउट पे आने से पहले वाला कार्ब बंद कर। चावल जो ले रहा हूँ वो भी बंद कर दूँ। और वो क्या करेगा तू, दो तीन दिन के लिए बंद करेगा, चौथे दिन चावल ऐड करेगा। तीन दिन बंद, चौथे दिन फिर तीन दिन बंद, फिर तीन दिन। सर जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो नहीं ना? उस दिन नहीं, उस दिन ऐसा कर छुट्टी वाले दिन बंद रख। आपने कर दिया, मैंने पिछले कर दिया ना। हाँ अब तूने छुट्टी वाले दिन तो लियो ना, कार भी नहीं लेने। कार हाँ, और जो ट्रेनिंग डेज हैं उसमें भी क्या कर के एक टाइम रख कार वो भी। फिर जिस दिन तेरे को लगता है लो फील हो रहा है फिर दो या तीन टाइम फिल कर कार। एक दिन में? एक दिन में दो बार फिल कर कम से कम कार। और क्या रखूँ फिर? आलू और चावल रख। आलू और चावल बढ़िया पंप वही देंगे। हाँ पर दो तीन दिन कट करके तीस फिर चौथे दिन फिलिंग कर। ठीक है ये दिया। मतलब सर जैसे देखो बैक हो गया और लेग्स हो गया इसमें फिल कर दूं? फिल कर, बड़ी मसल है। हाँ। बाकी के दिन रहे? बाकी दिन काट, तीन चार दिन कट हो जाएगा, दो दिन तेरा ऑन रहेगा। ठीक है सर। तो सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डंबल प्रेसेस शोल्डर का बैठ के। फ्रंट शोल्डर की आज सर मेरे को अलग तरीके की एक्सरसाइज बता रहे हैं। मैंने बोला सर आज कुछ बढ़िया कराओ, ये पोजीशन और नया, ये पोजीशन होगी। हाँ। और यहाँ से शोल्डर फिक्स करके ना ये स्ट्रेट है, तो ये शोल्डर ही उठाऊं बस?
ये वाला हिस्सा है हाँ, इसको तेरे को फिक्स करना पड़ेगा, चाहे बेल्ट लगा ये कर लूंगा मैं स्ट्रेट थोड़ा सा हाँ बस अभी से ऊपर हाँ ये, और स्लो नीचे ला रोकते हुए, स्लो स्लो डाउनवर्ड स्लो, ऊपर ले जा डाउनवर्ड स्लो हाँ, यहीं से हिट कर, नीचे रेस्ट पोजीशन में मत जाने दे, थोड़ा एंगेज रख शोल्डर को, ये अप परफेक्ट चलने दे यहीं से तो आज का वर्कआउट भाई कंप्लीट हो गया, चार एक्सरसाइज करी है बट बहुत बढ़िया तरीके से हिट हुई है, पंप भी बहुत बढ़िया आया। अब जा रहे हैं भाई, एक ज़रूरी काम से जाना है सर को और मेरे को, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। सर एक बार बॉडी और चेक कर लो कैसी हो रही है, आप बोल रहे थे ना कि जब भी सेशन करेंगे चेक करूँगा। तो मैं अभी स्टीम लेने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं अपनी बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर स्टीम लेने के बाद दिखाऊंगा भाई डिफरेंस देख लेना कि कितना जाता है। नेचुरल स्टीरॉइड स्टीम। I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through. तो भाई जा रहा हूँ, जब भी स्टीम लेने जाओ साथ में पानी लेके जाओ, या BCAA या EAA जो भी आप यूज करते हो। जब भी मैं स्टीम लेना स्टार्ट करूँ ना, समझ लेना चीजें बहुत सीरियस हो गई है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया मैं बॉडी को लेकर इस वक्त। मैं नहीं चाहता मैं कॉम्पिटिशन के बाद ये बोल लूँ मैंने वहाँ कमी छोड़ दी, मैं वो कर लेता तो मैं वो कर लेता तो। तो अभी जस्ट मैं स्टीम लेके आया हूँ, अपनी बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ कि बिफोर आफ्टर क्या रिजल्ट है। No time, call up pitches, dimensions. I don't want your digits. I mean it. I'm staying inside. 'Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. 'Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me. ये देखो भाई क्या मिला दिया इसमें। अब पीऊँगा भूख लगी। चलो भाई चलते हैं, आज का वर्कआउट भी डन, स्टीम भी डन, प्रोटीन भी पी लिया सफ़ेद पाउडर मिला के, और ये पानी ले लिया। Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted, a phone in affection, I summon and dub it. हंस हंस गल्ला करके मार गई। तो अभी भाई मैं सोनिया को लेके जाऊंगा, सोनिया को है ना
रूम के लिए डेकोरेशन लेना है ताकि अपनी रील्स बना सके, फैशन वीडियोस बना सके, तो एक मार्केट है गुड़गांव में, वहां जाना पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ भाई, अब तो भाई रेगुलर यही रहेगा, स्टीम एप्स वर्कआउट, रेस्ट वाले दिन रेस्ट तो अब कहाँ ही मिलेगा, अब रेस्ट चाहिए भी नहीं मेरे को, बहुत रेस्ट ले लिया यार, कंपटीशन बहुत पास आ गया अब तो। ये तो सोनिया भाई मार्केट में घुसी हुई है, यहाँ पर टेबल लेने आई थी, तो बोल रही थी कि जो टेबल 20-25 हज़ार की मिल रही है ना नॉर्मल शॉप पर, वही टेबल यहाँ पर गुड़गांव में मिलेगी वही 5-6 हज़ार की, और दो टेबल बोल रही है कि मिल रही है। तो अब देखते हैं भाई, अगर सोनिया को पसंद आती है तो ले लेंगे, कार तो पार्क यहाँ पर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं वो? बाहर का बाहर आना पड़ेगा, इतना सस्ता है यहाँ पे, हमने अच्छा हुआ टेबल नहीं लिया। वो जो 20 हज़ार की बोल रहा था, कितने की दे रहे हैं? 6 हज़ार की दो बोल रहा है। तुम नहीं, 6 हज़ार की एक बोल रहा था, मैंने बोला 6 हज़ार की दो, तो बोला ठीक है कार बताओ वहाँ पर, मैंने कहा बता दे रुको कहीं और कन्फर्म करो ना, कहीं और है ही नहीं। भाई सीट फोल्ड करनी पड़ रही है कार की। कार भर गई है भाई चीजों से, ये देखो पीछे सीट भी लिटानी पड़ गई आज तो, और यहाँ पर मैं अपना चिकन खा रहा हूँ, सोनिया और शॉपिंग करने गई है कप वगैरह लेने, यही होती है प्रैप, कहीं भी जाओ आपकी डाइट पहले होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो जब तक मेरे को लगा कि हाँ मैं बाहर घूम सकता हूँ, मैं घूमा, और जब मेरे को लगा कि अब बॉडी को बढ़िया न्यूट्रिशन चाहिए, फिर मैं आ गया कार में। ये देखो सोनिया मम्मी से बात कर रही है, बता रही है कि हम 5,000 में ये 4 टेबल लेके आए, दो ये दो वहाँ पर, और अगर मैं इनकी एक्चुअल कॉस्ट बताऊँ ना जो हमने पूछी थी, नरेला में भी मम्मी ने पूछी थी, मम्मी बोल मम्मी कितने का बताया, 14,000 की, और जब हम पूछ के आए थे 18,000 की, तो हमें मिली है ये चारों 5,000 की। और ये भी सोनिया बहुत लाई है चीज़ें सजावट के लिए, घर पे रखने के लिए, वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए, कप वगैरह पता नहीं क्या है भाई। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन आंसर की। पिछले एपिसोड में मुझसे किसी ने पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेरू क्लासिक एंड अमेचर ओलंपिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना कन्फ्यूजन रहती है कि क्या ये एक ही कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जगह पे तो एक ही होते हैं, कोई शेरू क्लासिक बोलता है, कोई अमेचर ओलंपिया बोलता है। तो जब मुंबई में जो कंपटीशन होता है वो सबसे बड़ा इंडिया का एक्सपो होता है एक तरीके से, तो वहाँ पर शेरू क्लासिक की अलग स्टेज होती है और अमेचर ओलंपिया की अलग स्टेज होती है। जो अभी मैं खेलने वाला हूँ जून में वो होगा शेरू क्लासिक, वहाँ पर अमेचर ओलंपिया नहीं होने वाला। तो ये शेरू क्लासिक है, यहाँ भी प्रो कार्ड मिलेंगे। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी एक इंसान के क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। ये है शेरू क्लासिक का एपिसोड नंबर 11। लाइक कर देना वीडियो को भाई, कर दो लाइक, सपोर्ट करो अपने भाई को, और सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर का बटन है दबा देना, एक सेकंड लगेगी, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल द नॉट पीस गेंस।